हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 17 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का थर्ड सेम का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन से और लास्ट तक वीडियो देखिएगा और ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो मैं आप चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं और क्या बताना हम लोग को, सॉल्युबिलिटी को बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में आ सकता है, तो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, डिस्कस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है उसको डिस्कस करना इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ एग्जांपल। डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग को, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम लोग को क्या बताना, डिटेल बताना, किसमें मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, स्टेट राउल्ट लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन एंड द लिमिटेशन, क्या बताना हम लोग को, राउल्ट लॉ बताना है, क्या बताना हो उसका एप्लीकेशन बताना हो, लिमिटेशन मतलब क्या क्या बाधाएं हो सकती है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आएगा या तो 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन, तो ये कितने आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व करके ही जाइएगा एक बार। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग को डिफाइन करना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है हम लोग को बताना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में, ये दोनों क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछ देगा। 7 मार्क्स में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है उसके बारे में हम लोग को बताना है और ग्लासी स्टेट क्या होता है बताना है। ठीक, डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड देयर एप्लीकेशन, क्या होता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग को बताना, किसमें आ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या तो 7 मार्क्स में आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग कम से कम एक बार सॉल्व करके देख के जाइए। ठीक है, यूनिट 3 से देखते हैं, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव डिफरेंट मेथड टू यूज डिटरमाइन द सरफेस टेंशन एंड डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज मेथड, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 2 मार्क्स में आएगा या तो 7 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स में, मतलब इस टॉपिक से, इस वाले क्वेश्चन से जरूर कहीं कहीं से आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है, डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट एंड क्लासीफाई देम एंड गिव द देयर एप्लीकेशन, क्या होता है सरफेस एक्टिव एजेंट को बताना हम लोग क्या है और क्लासिफाई कर देना है और उसका एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या होता है वो बताना है। ठीक, क्या होता है, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक, अब देखते हैं यूनिट 4 से क्या क्या क्वेश्चन है, डिफाइन कम्प्लेक्सेशन एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेशन, मतलब क्या होता है कम्प्लेक्सेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताना है, उसका क्लासिफिकेशन देना है। तो ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाइएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोटीन बाइंडिंग इन डिटेल, प्रोटीन मतलब जब कैसे बाइंड होता है, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैसे होती है उसको बताना हम लोग को, क्या हो सकता है 7 मार्क्स में आ गया तो 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, और तो कभी कोई भी मार्क्स में आ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी जिसमें दे दे। ठीक है, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस एंड कम्प्लेक्सेशन, मतलब क्या होता है अलग अलग मेथड हम लोग को बताना है एनालिसिस का और कम्प्लेक्सेशन बताना है। ठीक है, तो आप यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड गिव डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिक, ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसा क्वेश्चन होता है कि मतलब कि एक बार आप पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो मतलब कि देखो फर्स्ट सेम में भी आया था हम लोग का, मतलब ये क्वेश्चन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बफर सोल्यूशन क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग के बॉडी पे जाने के बाद कोई रिएक्शन ना करे, मतलब बॉडी टेम्परेचर और उसका हम लोग का सब्सटेंस कंसंट्रेशन होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक, उसी कहते हैं बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही से अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, इसको जरूर सॉल्व कर दीजिए, बहुत